इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बागपत से आ रही है, जहां पर मेडिकल स्टोर पर डर विभाग का छापा पड़ा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से आ रही है, निर्धारित कीमत से अधिक कीमत में बेचे जा रहे थे मास्क। लगातार मिल रही शिकायत को देखते हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे और लॉकडाउन की अवधि तक मेडिकल स्टोर को सील किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सैनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, ड्रग विभाग की छापेमारी हुई है, मेडिकल स्टोर को सील किया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को स्पष्ट कड़े निर्देश दिए हैं कि वे मानक से बिल्कुल भी ज्यादा ना तो मास्क की वितरित करें, ना बिक्री करें और ना ही सैनिटाइजर्स की जी। इसके बावजूद बागपत जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर है, हर्ष मेडिकल जी। स्टोर के नाम से उस पर एक वीडियो वायरल किया गया है किसी ग्राहक के द्वारा, जहाँ पर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा 16 रुपए के मास्क को 50 रुपए के मूल्य में बेचा जा रहा था जी। इस गंभीर मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर व उनकी टीम ने छपरौली थाना पुलिस को लेकर एक संयुक्त कार्रवाई की जी। और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान ये चीजें बिल्कुल सही भी पाई गई, स्टोर मालिक द्वारा मास्क को अधिक मूल्य में बेचा जा रहा था जी। जी अच्छा अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। हमारे सहयोगी अमित सैनी ने बताया कि जिस प्रकार से मेडिकल स्टोर पर मास्क की अवैध वसूली की जा रही थी, जिसको लेकर कोई वीडियो भी वायरल वहां के लोगों ने किया था, जिसको संज्ञान में लेकर औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और मेडिकल स्टोर को लॉकडाउन की अवधि तक सील कर दिया। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बागपत में मेडिकल स्टोर पर डर विभाग की छापेमारी हुई है और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया।